सोलन के डेढ़ घराट के समीप पहाड़ का मलबा गिरा है। मलबे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके चलते आधा घंटा भी राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित रहा था। किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान की कोई सूचना नहीं थी। एरिफ कंपनी के अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए जल्द रोड को खोल भी दिया और यातायात सुचारू कर दिया। फिलहाल एरिफ कंपनी द्वारा घटनास्थल पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि सड़क को चौड़ा करने के लिए एरिफ कंपनी द्वारा खुदाई की जा रही है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं स्थान पर अक्सर देखने को मिल रही हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि अभी तक कोई भी जानी नुकसान यहां नहीं हुआ है। तकड़ा ही हो गया भाई, तकड़ा ही स्लाइड हो गया। सार अब तो पीछे तक जाना।